हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितेश महापुरी। कैम छो मजामा। ओके, आज का टॉपिक है कि पोर्ट्रेट बनाते हैं तो उसको सेव कैसे करते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, उसको संभाल के कैसे रखें। हम जो भी पोर्ट्रेट बनाते हैं उसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है बनाने में, तो उसको संभालना ऑफिशियली हमारा काम है। तो कुछ यहाँ पे स्प्रे रखे हैं, तो सबको ऐसा ही है कि भाई स्प्रे से ही खाली आप उसको संभाल के रख सकते हो, मगर कुछ और भी ट्रिक है, कुछ और भी तरीके हैं उसको संभालने के, और डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपको संभालने पड़ते हैं। तो वो कैसे आप संभाल के रख सकते हो वो आज के वीडियो में हम जानेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार और बताना चाहता हूँ कि मेरे ऑनलाइन क्लास चलते हैं और स्टूडेंट लोग का मुझे रिस्पॉन्स मिला है, और भगवान की दया से बहुत ही अच्छा चल रहा है हमारा ऑनलाइन का। बट बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो उसमें कई लोग होते हैं जो फीस पे नहीं कर पाते हैं, तो स्पेशल मैंने उसी के लिए यूट्यूब चैनल ये चालू किया है। तो प्लीज़ आप ये सबको शेयर कीजिएगा, शायद किसी की हेल्प हो जाए। और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हर बार मैं बोलता हूँ कि बीच बीच में कुछ टिप्स दूंगा, तो इसमें भी बहुत बड़ा टिप्स है, आपका पैसा सेव हो जाएगा इसमें। जो बारी बारी स्प्रे है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जनरली मैं 90% जो भी मेरे वर्क होते हैं वो मैं ब्रूस्टो पेज पे करता हूँ, तो उसके लिए मैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये फिक्सेटिव या तो फिर ये दोनों में से कोई भी एक यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, मोस्टली। ये आपको शायद 250-300 रुपये में मिल जाएगा, ये है 300 MRP है, बट 250 में मिल जाता है हमारे वहाँ, 200 ml का है, और ये 300 ml का है फिक्सेटिव का ये। तो मैं दोनों ये यूज़ करता हूँ मेरे पोर्ट्रेट में। कलर पेंसिल में आप ये नहीं यूज़ कर सकते हो, उसके लिए ये है, ये कलर पेंसिल के लिए बेस्ट है। ये सब में चलेगा, कलर पेंसिल में भी चलेगा, पेस्टल सॉफ्ट पेस्टल में नहीं चलेगा ये, और ब्लैक एंड वाइट चारकोल में भी चलेगा। ये थोड़ा कॉस्टली है, शायद 700 के आसपास है। ओके, ये तो हो गया जो आपने देखा होगा ब्रूस्टो का, फिर ये ब्रूस्टो का कंपनी का था और फिक्सेटिव का भी है, तो वो आपने तो देखा होगा। बट आप सोच रहे होगे ये तीन कौन सा है, तो ये कुछ नहीं है स्प्रे, एक्चुअली ये देसी जुगाड़ है। देसी जुगाड़ इसलिए क्योंकि पहले आज से पाँच साल पहले मेरे पास भी इतना पैसा नहीं था, तो मैं वो खरीद नहीं पाता था। तो मैं क्या करता था, ये सब आप देख रहे हैं वो ब्यूटी पार्लर हेयर स्प्रे है, ब्यूटी पार्लर हेयर स्प्रे जो कि एक्सपायर डेट हो चुके हैं। तो मैं क्या करता था कि वो हेयर में तो लगाने वाले हैं नहीं, तो ये सबसे बेस्ट है। तो इसमें जो हार्ड वाला आता है वो बहुत अच्छा आता है, यानी कि हार्ड स्प्रे आता है एक हेयर स्प्रे, तो वो बहुत अच्छा आता है। बट ये जो एक्सपायर डेट हो चुके हैं तो वो लोग सस्ते में नहीं देते हैं, तो मैं ये भी यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी। ओके, अभी कैसे करना है स्प्रे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहूँगा और कुछ बताना चाहूँगा, तो आप वो गलती मत कीजिएगा। तो ये मेरा पेस्टल वर्क है, सॉफ्ट पेस्टल, इसके भी मेरे ऑनलाइन क्लास अभी चालू है, रिसेंटली अभी ये चालू ही है। तो ये सॉफ्ट पेस्टल वर्क है, तो सॉफ्ट पेस्टल में आपको स्प्रे नहीं कर सकते आप लोग, ओके, क्योंकि ये पाउडर होता है, तो ये देखिए उंगली में लगेगा। इसको अगर स्प्रे भी किया तो ये पूरा पाउडर फॉर्म है, तो ये पूरा डल हो जाएगा और पूरा बिखर जाएगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको, अगर आप सॉफ्ट पेस्टल कर रहे हो, आपका वर्क अच्छा है और इसको आपको प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है, तो आपको इसके लिए एक फ्रेम बनाना होगा, वो भी बॉक्स फ्रेम, यानि ये पेज अंदर चिपक जाएगा और 1 इंच छोड़ के ऊपर ग्लास आ जाएगा। ओके, तो पेस्टल वर्क को आप स्प्रे नहीं कर सकते, याद रखिए। भाई स्प्रे कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, मगर एक और ट्रिक है और एक और ऑप्शन है अपने पिक को सेव करने के लिए। तो हमारे वहाँ, मैं सूरत से हूँ और हमारे बाजू में ही बारडोली पड़ता है, तो अगर आपके वहाँ कोई है
जो अच्छा लेमिनेशन करता है पेज को, तो आप लेमिनेशन करवा सकते हो उसको। तो लेमिनेशन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बट वो पेस्टल में भी लेमिनेशन आप नहीं करवा सकते हो। पेस्टल के लिए एक ही मात्रा, एक ही ऑप्शन है, बस उसका बॉक्स फ्रेम बनाना पड़ेगा। बाकी आप कलर पेंसिल में और ब्लैक एंड वाइट ग्राफिक में या चारकोल में आप करवा सकते हो लेमिनेशन। कुछ लेमिनेशन वर्क है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा स्कल्पचर वर्क है, इसको मैंने पूरा लेमिनेशन करवा दिया है। वो लोग जो मेरा लेमिनेशन करते हैं, जो भैया, वो उसने बोला उसके पास जो मशीन है वो 100 ईयर्स का गारंटी देते हैं वो लोग। तो ये पूरा मैंने लेमिनेशन करवा दिया है, ये 3x4 feet का है पूरा। और ये मैं अभी जो मंकी बना रहा हूँ, तो उसमें भी आप देखो तो मैंने यहाँ पे चारकोल स्टिक पूरा घिस दिया है, यानी कि ये भी पूरा चारकोल वर्क है। तो ऑफिस में वो लगेगा उंगली में, बट इसको भी मैंने स्प्रे कर दिया है, और वो भी मैंने जो बताया अपना हेयर स्प्रे वही मैंने किया है। ओके, तो भी स्प्रे कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। ओके, तो ये मेरा एक पिक है, पोर्ट्रेज है, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था ऑनलाइन में ही बनाया, ये सिखाया था। तो उसके ऊपर कोई भी एक, यानी कि उसमें से मैं बताया कोई भी एक आपको दिखाता हूँ। तो इसको पहले आपको थोड़ा शेक करना है, और फिर आपको 1 feet दूर से मारना है इसको। और मारने से पहले मैंने, देखिए यहाँ पे नीचे पूरा रफ पेज रख दिया है, तो अगर रफ पेज नहीं हो तो न्यूज़पेपर भी आप यहाँ पे रख सकते हो। ओके, तो मारने से पहले, क्योंकि अगर आपने नीचे अपने घर में टाइल्स पे रखा या फिर आपके बोर्ड पे रखा तो वो ख़राब हो सकता है, तो इसीलिए नीचे कुछ ना कुछ रफ पेज या फिर न्यूज़पेपर रख दीजिएगा। अब इसको सेक करके 1 feet दूर से मारना है यहाँ पे, और उसको धीरे धीरे आगे ले के जाना है। अच्छे से लगना चाहिए, ज़्यादा पास से करोगे तो पूरा लिक्विड हो जाएगा तो वो बिगड़ सकता है, ज़्यादा दूर से करोगे तो पूरा हवा में चला जाएगा। तो 1 feet एकदम परफेक्ट डिस्टेंस है, तो आपको 1 feet दूर से इसको प्रेस करके मारना है। ओके, आई होप ये नॉलेज आपको काम में आएगा, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।